बाराचट्टी प्रखंड अंतर्गत बजरगर पंचायत के वार्ड नंबर 7 में रहने वाली एक 74 वर्षीय वृद्ध महिला इस कड़कड़ाती ठंड में टूटी फूटी मकान में अपना गुजर बसर कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना आज विफल साबित होती हुई नजर आ रही है, जब आज एक वृद्ध महिला को रहने को आवास तक नहीं मिल पाया तो सरकार द्वारा दिए गए ऐसे झूठे वादों का क्या फायदा। जहां महिला का वर्ष 2016 से 2017 में आवास योजना के अंतर्गत सूची में नाम तो आया और गायब भी कर दिया गया, बेबस महिला अपने आवास के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। गया से अशोक शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अशोक शर्मा, पीनुच ब्यूरो गया। अभी मैं इस वक्त बाराचट्टी प्रखंड के बजरगर पंचायत के भगवती गांव में आया हुआ हूं, जहां एक वृद्ध महिला जिनका पुत्र नहीं है, 5 बेटी हैं और मिट्टी का घर में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। दिखाया जाए मिट्टी का घर किस ढंग सा है। मामा आप बताइए तो कहाँ इस घर में आप कैसे रह पाते हैं? कैसे रह पाए बरसात के दिन में कैसे रहते हैं? बरसात में तो हम हाइये नहली बेटा, अब तो हम इंदिरावास मिल ले हाल ना, लिस्ट में नाम है लाए पता चले कि लिस्ट में नाम है ले, 16-17 में नाम है ले आपको लिस्ट में, इंदिरावास का सूची में कि नहीं मिला आपको? नहीं मिला आपको? वृद्धा पेंशन वगैरह मिलता है? तो आप कब तक रहिएगा बेटी का सहारा? आपका तो यही काम देगा ना? यहाँ रहे बेटा, हम कहाँ से देखेंगे? इसका मकान बनना चाहिए पर मांग करते हैं प्रशासन से, बनना चाहिए। हाँ, वीडियो साहब से मांग करते हैं। हाँ, नाम बता दे अपना। देखी देवी का, आप कहाँ रह रहे हैं अभी? अभी तो यही इसी घर में रहते हैं। बरसात के दिन में आप कैसे रहते होंगे? बरसात में तो ना हलियो बाबू। अच्छा, तो बेटी के हार्ट अटैक वाला से चल रही है। आपको आपको लड़कन वगैरह भी हैं? ना, बच्ची हैं। के को बच्ची हैं आपको? 8। अच्छा, तो बरसात के दिन में तो आपको बहुत दिक्कत होता होगा। बहुत दिक्कत बेटा। कितना दिन आप बेटी के यहाँ रहिएगा? इंदिरावास मिला है आपका प्रधानमंत्री से? कोल्यूनले मिल रहे मुझे मुखिया पंचायत में जो मिला है वाला? ना, नहीं मिल रहे है। मुखिया जी के बतेलू ना एक आधबार की हमारा रह के जगह सुनबे ना करती तो बतौली न है। लिस्ट में नाम हले पहले पहले लिस्ट में नाम था आपका? तब कहा नहीं मिला? रोग दल ठीक होती है नहीं है जी हठी सब। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अभी आप कहाँ रह रहे हैं? हम ही यही हैं, उनका उग रहे सोते ही हैं। और दूसरा क्या सोते हैं? हाँ, बाल भाई जब खान बाल भाई बहुत तकलीफ हो बेटा। कहाँ नाम होले? देखी देवी। घर कहाँ होले? भगवती। भगवती फोटो खिंचवाए हैं। अच्छा। हम अपने से, लेकिन हम क्या करें अपने आदमी नहीं हो जाता उसमें हमको क्या दिक्कत? क्या इनका इंदिरा आवास मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मिलना तो चाहिए। तो आप क्यों नहीं आवाज उठाए मुखिया से, वीडियो से आवाज उठाना चाहिए? देवर से भी बोले हैं, जो गौर देवर हैं शोब में रहते हैं उनको से भी बोले कि देखिए इनको करवा दीजिए। अरे तो 4 दिन के मेहमान हैं घर में, आज हैं कल टपक जाएंगे तो आप ही को पास रहेगा। इनको बेटी दामाद तो आवेंगे नहीं यहाँ लेने, तो इसलिए इनको करवा दीजिए वाला बनवा दीजिए, जब तक रहेंगे तब तक रहेंगे। तो नहीं उसे बोलते हैं, तो हम क्या करें बताइए, इसमें मेरा क्या गलती है? तो आप मुखिया जी या तो बीडीओ साहब से एक आध बार मीटिंग में आवाज उठाए हैं? हम बुलाए कि देवकी देवी को इंदिरा आवास मिलना चाहिए, रहने के लिए इसका मकान नहीं है। अगर जिस मकान में बरसात के दिन में सोएंगे दब जाएंगे तो इसका जिम्मेवारी कौन होगा? हम बोले बीडीओ साहब से भी बोले, बीडीओ साहब भी आए हैं देखे हैं, ऐसा तक कि डीएम आए थे शौचालय के बारे में वो भी देख के गए हैं, उसमें मेरा क्या गलती है? वीडियो थे, डीएम थे, सब कोई। आप बजरगर पंचायत का कितना वार्ड नंबर, कितना का वार्ड सदस्य है? 7 नंबर तो बताएं। 7 नंबर बताएं, बजरगर पंचायत, बजरगर पंचायत 7 नंबर ग्राम भगवती। क्या इनका इंदिरा आवास के लिए आप प्रयास कीजिएगा?
प्रयास तो हम अभी भी कर रहे हैं कि अभी भी अब आपका समय नजदीक आ चुका है, 3 महीना के बाद आप लोग का पावर समाप्त हो जाएगा। हम तो जान रहे हैं कि 3 महीना के बाद पावर स्विच हो जाएगा, लेकिन हो सकता है क्या उसी 3 महीना के दरमियान इनका हो सकता है इंदिरा आवास? देखिए सभी को चाहेगा तो हो जाएगा, देखो मेरा चाहने से नहीं होगा। यानी इनका लिस्ट में नाम है, लोग यानी रुके हुए हैं क्या? इस पर इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि लोग रुके हुए हैं इनका इंदिरा आवास को। हाँ रुके हुए हैं, अब क्या रुका नहीं होता। नाम बता दीजिए अबरी बार। मेरा नाम मुन्नी देवी। ठीक।